आपके सामने सीडीएस की कट ऑफ दिख रही है 2016 की, ये है 68 मार्क्स यहाँ पर। ओटीए के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, कुछ जादू दिखेगा आपको। 2017 15 मार्क्स करीबन बढ़ गए, 82 मार्क्स यहाँ पर हो गए। 2019 उसके अगले साल यहीं पर मार्क्स दिखे गए आपको 95 मार्क्स ओटीए में। मार्क्स की कट ऑफ बढ़ती चली जा रही है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और यहाँ पर सभी डिफेंस एस्पिरेंट को एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जो वीडियो आप अभी देखने जा रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उन डिफेंस एस्पिरेंट की है जिनके ये सिम्टम्स हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या सिम्टम्स होने चाहिए आपके अगर ये वीडियो देखना चाहते हो। पहली बात, आप हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज रहे होने चाहिए, मतलब आप कभी भी टॉप फाइव में नहीं आए, ना स्कूल कॉलेज कहीं नहीं। उसके बाद किसी ना किसी एग्जाम में आप फेल हुए, चाहे अपने ग्रेजुएशन में हुए हो चाहे स्कूल टाइम में हो। थर्ड, आप 15 मिनट में बोर हो जाते हो पढ़ के। चौथा, मोटिवेशन कभी नहीं आती पढ़ने के नाम पर जल्दी उठने की, और किसी चीज के लिए हो सकती है बट पढ़ने के लिए नहीं आती कभी। लास्ट, आप यूजुअली कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हो पढ़ाई के नाम पर, जिससे आप मोटिवेट होते रहो। अगर आप में ये पांच सिम्टम्स हैं, फॉर श्योर दिस वीडियो इज फॉर यू। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया 2016 में कट ऑफ आई थी 68 और ये बढ़ाकर हो गई है 95, और ये केस IMA INA AFA के लिए भी है। मैं अप्रोक्स बता रहा हूं, करीबन 15 मार्क्स का इफाजा हुआ है, मतलब 15 मार्क्स बढ़े हैं सभी कट ऑफ में, और ये कट ऑफ कि बढ़ने का आपको रीजन नहीं समझ में आएगा। जबकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, जब मैं सीडीएस देने जाता हूं तो 50% हॉल खाली बैठा होता है, मात्र एक रूम में 9 से लेके 15 ही बच्चे होते हैं डिफेंस एस्पिरेंट, तो इतनी कट ऑफ बढ़ क्यों रही है, हर साल बढ़ती चली जा रही है। जरा आगे चलते हैं कहानी में। देखिए, आज भी अगर आप सीडीएस देना चाहें तो एक रूल सिंपल चलता है, वो है 20-80% आप ऐसा काम करो जो 80% आपको रिजल्ट दे, और 80% वो काम छोड़ो जो आपको खाली 20% रिजल्ट दे। बट इसमें एक चीज में अंतर हो गया है, अब ये 20% नहीं होता, अब यहां पर हो गया है 30%, मतलब आपको 10% और एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आपका 90% काम हो जाए। बात आपको समझ में आ रही है? और यहां पर क्या होगा, आपका जो 80% आ गया है, अब ये 90% बन जाएगा। आई होप ये आपको बात क्लियर हो रखी हुआ। यहां पर 10% बन जाएगा और यहां पर आप 90% लेकर आ रहे होंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब कैसे, जरा यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जवाब है इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आपने 90 मार्क्स सिक्योर कर लिए, देर आर 100% चांसेस कि आप किसी भी एकेडमी के लिए बैठने वाले हो, फॉर श्योर SSB के लिए जाने वाले हो, चाहे वो OTA हो, चाहे वो आपकी AFA हो, चाहे AINA हो, कोई ना कोई आपकी एकेडमी जरूर आएगी SSB के लिए। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ इसकी गणित क्या है। ध्यान से देखना, स्क्रीन पे आपकी आंखें टिकी रहनी चाहिए। 90 मार्क्स इंग्लिश में आपके आ गए, GS में अगर आप लड़की हैं आपने 20 मार्क्स उठा लिए, कट ऑफ आई 95 पर, तो ये 90 प्लस 20 कितना हो गया, 110। कट ऑफ से आप बहुत ऊपर पहुंच गए, और अगर यही मार्क्स आप लेकर आए तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगी। इनफैक्ट 100% चांसेस हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगी। और अगर इसमें आपने मिनिमम मैथ्स में पुअर टू पुअर 40 नंबर भी लिया है, जो कि बहुत ही कम नंबर होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम नंबर होते हैं, तो 110 प्लस 40 अगर आप उठा के लिया है, टोटल आपके हो गए 150 मार्क्स। फॉर श्योर यू गोइंग टू गेट IMA एंड INA, ये आपको मिलना मिलना तय है। और यहां पर अगर आप 50 नंबर ले आए उठाकर, तो फॉर श्योर आपका AFA भी आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपको कहानी में समझनी है इसकी तैयारी होगी कैसे। अब जरा यहां पर आपको कहानी में इंग्लिश पे फिर से लाता हूं। 90 मार्क्स लेकर आने, 90 मार्क्स का हमें सोर्स हमें समझना पड़ेगा, वो कहां से आएगा और क्या क्या आने वाला है और हमें किस तरह से इसे तैयार करना है। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके दिमाग में चल रहा होगा, यार आज तक इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मैंने जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे लोग हैं जो कि एक एवरेज या बिलो एवरेज लड़के हैं और उनके इंग्लिश में हमेशा वीक पॉइंट रहा होगा। तो ये 90 मार्क्स आएंगे कैसे, और ये 90 मार्क्स कितने में से आ रहे हैं, 100 में से, तो ये मुश्किल काम है थोड़ा। अब जरा कैसे हो रहा है काम, इस बात को हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले एक मैं किताब का नाम लेना चाहूंगा जो कि बहुत ही अच्छी किताब है और यहां पर ये 90 मार्क्स लाने में आपकी मदद करेगी, वो है पैरामाउंट। पैरामाउंट इस किताब का नाम है, और पैरामाउंट बाय नीतू सिंह इसकी ऑथर है। यहाँ पर आपको नाम का नाम भी दिख रहा होगा, नीतू सिंह। और इसकी दो किताबें आती हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। हमें सिर्फ वॉल्यूम 1 ही लेनी है, बात याद रखना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, वॉल्यूम 1 ही करनी है। और यहाँ पर अब आपका जो फोकस होगा ग्रामर, वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस,
अभी क्या हो रहा है बात जरा मैं समझाता हूँ। देखिए वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेजेस अपने आप में 33 मार्क्स रखते हैं, 33 मार्क्स, ठीक है। अगर आपके इससे 90 में से 33 अगर मैंने गायब कर दिए, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 57 मार्क्स बैठेंगे, और इसमें भी इसी आपने कुछ गलत कर दिए तो करीबन 50 लेके 40 से 50 मार्क्स आपके इंग्लिश में आएंगे, तो बेड़ा गर्क है। तो इसका मतलब वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेजेस चाहिए, और इस किताब में ऐसे दिए गए हैं कि इससे बाहर नहीं आते। इनफैक्ट अगर आप पास पेपर चेक करो और इस किताब में मैच करने की कोशिश करो तो आपको लगभग सारे मिल जाएंगे, इतने हैं इसमें, और इतनी बेहतरीन किताब है ये। खैर अब यहां से हम आगे चलते हैं कि शुभम, आई एम नॉट कन्विंस कि ये 33 मार्क्स खाली वोकैब वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेजेस रखते हैं। जरा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कैसे हो रहा है ये। देखिए सिनोनिम्स आते हैं 10 क्वेश्चन, ये भी 10 क्वेश्चन, और क्लॉज टेस्ट में भी आते हैं आपके कभी कभार वोकैब्स के आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वोकैब आती है, तो ये हो गया 10, 20, 30, ठीक है। उसके बाद आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, कहाँ गए हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ पर लिखने रह गए लगता है, मैं दोबारा यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये अलग आते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, मतलब 40 क्वेश्चन आ गए, 40 क्वेश्चन। अगर 40 क्वेश्चन आ गए हैं और एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स है 0.83, तो आपको टोटल मार्क्स बैठे 33.2 मार्क्स। तो अगर आपका इन पे कमांड नहीं है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप फॉर श्योर फेल होने वाले हो। और इसमें एक सबसे खराब बात क्या होती है, एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग जो है वो यहां पर 50% गलत होता ही होता है, तो ये मार्क्स आपके 40 से 50 के बीच में ही बैठते हैं फॉर श्योर। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज तक 40 से 50 मार्क्स जिनके इंग्लिश में आ रहे थे वो इसी कारण आ रहे थे, मानो या न मानो पर कारण यही है आपका। और आप अगर थोड़ा एनालिसिस करोगे अपने पेपर का जो आपने आज तक दिया है जितनी बार भी, तो आपको यही पता लगेगा कि यहां पर मेरे 40 से 50 मार्क्स यही चीजें खा रही थी। चलिए अब जरा कहानी आगे लेते हैं। अनअकैडमी, अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस चलती हैं। जैसे यूट्यूब आपका एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब आपका क्या है, एक फ्री प्लेटफॉर्म है, करेक्ट। वैसे ही अनअकैडमी भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के नाम पर, वो यूट्यूब है एजुकेशन का, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं और यहां पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। सुबह 10:30 बजे मैं आपको ये पैरामाउंट जो मैंने आपको किताब दिखाई थी अभी वो ही पढ़ाता हूं मैं, उसकी वोकैब भी कराता हूं और ग्रामर भी कराता हूं, सारी चीजों की तैयारी कराता हूं। एंड यू कैन सी दिस डेडिकेशन, ये जो हैट्स मिलती है ना ये उसी बच्चे को मिलती है, मतलब उसी टीचर को मिलती है, बच्चा कह रहा हूँ टीचर को मिलती है जो इसके काबिल होता है, और ये आप लोग ही देते हैं। तो आप लोग मैं कहूंगा सुबह 10:30 बजे जरूर आओ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक भी मिलेगा यहाँ पर, आपको फॉलो बटन होगा जैसे यूट्यूब में फॉलो बटन होता है उस पर क्लिक भी करना है, प्लस आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है अगर आप ये 33 मार्क्स चाहते हो किसी तरह। ये 40 से 50 मार्क्स जो है ना, ये 40 से 50 मार्क्स ये कोई भी सिक्योर कर लेता है, मतलब जिसने आज तक सीडीएस का पेपर दिया नहीं है ना वो भी देना चाहेगा तो 40 से 50 मार्क्स सिक्योर करके ही लाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो 33 मार्क्स का खेल है ये मैं आपके लिए करवा रहा हूं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है अनअकैडमी शुभम वाचने करके, ठीक है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे यहां पर आप इसके मेंबर बन जाओगे, ऐसे यहां पर सब्सक्रिप्शन बढ़ता चला जाएगा यहां पर, ठीक है। अब ये फ्री सब्सक्रिप्शन है जैसे मैंने आपको कहा, और जैसे ही आप टेलीग्राम पे पहुंचोगे तो आपको रोज एक मैसेज पॉपअप होगा इस तरह से, शेड्यूल फॉर 8 दिसंबर, जैसे ये है 10:30 की क्लास है, 12:30 की है, 7 बजे की है, ये सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी। तो दो काम आपको करने हैं, पहला आपको करना है अनअकैडमी पे जाकर आपको मुझे फॉलो करना है। फॉलो इसलिए करना होता है, नोटिफिकेशन आती है आपके मोबाइल पे कि शुभम वाशिंग क्लास अगले आधे घंटे में शुरू होने वाली है, ठीक है। अब यहां से जरा हम आगे चलते हैं, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम वापस आते हैं कहानी हमारी, मैथ्स पे लाते हैं। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आईएमए आईएनए और एएफए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर सवाल आता है ये 40 टू 50 मार्क्स आएंगे कैसे। देखिए मैथ्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है अलजेब्रा, अलजेब्रा की स्पेलिंग लगता है गलत कर दी मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, अलजेब्रा, और दूसरा एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स में आता है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। ये 50% पेपर अराउंड सिक्योर रखता है और ये भी 50% सिक्योर करता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दोनों करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि कट ऑफ बढ़ती जा रही है। 40 से 50 मार्क्स भी आप अगर लेकर आ रहे हो ना तो हो सकता है कि अगर आपका, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर कट ऑफ दिखाई थी, कट ऑफ बढ़ रही है ना, ये 134 पे आके रुकी है, इसका मतलब ये कल 140 भी हो सकती है। तो मुझे आपको 150 के लिए भी तैयार रखना पड़ेगा, ये मेरा मानना है क्योंकि मैं टीचर हूं, ठीक है। तो मैं सिलेबस आपका सारा ही कंप्लीट करा रहा हूँ, मैथ्स का सारा, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आने से बच जाए। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन,
डेसिमल, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी आप कर रहे हो वो सब आपको फ्री में मिलेगा। एक रुपया पैसा भी दहला आपसे लिया नहीं जाएगा। वो कब हो रही है? 7 बजे। अगेन सेम फॉर्मेट है, आपको यही करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है और यहां पर जाकर आपको मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, दो काम हो गए, टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करना है अनअकैडमी शुभम वार्ष्णेय, ठीक है, और यहां पर आपको मुझे फॉलो भी करना है अनअकैडमी पे जाकर। फॉलो का बटन होगा, वहां पर जाके फॉलो करना है आपको, ठीक है, जैसे आप सब्सक्राइब करते हो यूट्यूब पे वैसे ही सेम, तभी आपको दोनों जगह से नोटिफिकेशन मिलेगी। ये नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी और ये नोटिफिकेशन आपको आधे घंटे पहले क्लास शुरू होने से पहले मिल जाएगी, जिससे आपको समय बर्बाद ना हो। यहां तक की कहानी हो गई। अब यहां से हमें पढ़नी है जीएस की कहानी। देखिए जीएस में बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, डिफेंस स्टैटिस्टिक्स मतलब। बट आप जरा एक बात नोटिस करना, मैंने हिस्ट्री के आगे लिखा है मॉडर्न, ज्योग्राफी के आगे लिखा है इंडियन, इकोनॉमी के आगे लिखा है मैक्रो, और करंट अफेयर हमें करने ही करने हैं, वो है 16 क्वेश्चन, और डिफेंस स्टैटिक्स मैंने अलग से लिखा है, वो करंट अफेयर के अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब जरा जब ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें या इंडियन ज्योग्राफी या मैक्रो इकोनॉमी, इसमें कई चीजें आती हैं, एंशियंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर, और यहां पर आ गया मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, एंशियंट मतलब वो वाला टाइम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मिडिवल मतलब जब मुगल वोगल आ गए थे, ठीक है, मुगल्स का समय जो था, जब राजपूत लड़ रहे थे, मराठा लड़ रहे थे एक दूसरे से, वो वाला समय। आर्ट एंड कल्चर मतलब मिडिवल पीरियड में जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं, चाहे लाल किला हो चाहे कुछ भी हो, वो किसने बनाए थे, क्या कारण थे, उसकी पूरी कहानी जानने वाली बात। पर हमें इसमें सबसे ज्यादा जानना है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि यहां से आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में अगेन आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, जरा मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ जिससे अच्छे से समझा सकूं, मेरी बात ध्यान सुनना, सब लोग स्क्रीन पर नजर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में से, मैक्रो इकोनॉमी से भी अगर पकड़ के चले तो 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन करीबन, अराउंड इससे 15 कर लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के, डिफेंस स्टैटिक्स के लिए 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर आते हैं टोटल 33 क्वेश्चन। तो 33 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 2 क्वेश्चन यहां पर अगर यहां मिला दे तो ये हो गए 3, 6, 9, 9, यहां पर 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 25, 25 प्लस 27, यहां पर 2 पर चढ़ गया, 2 प्लस 3 5, और ये 6, 67 क्वेश्चन की मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं 67 क्वेश्चन के लिए। पास होने के लिए आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन सही करने हैं। पास होने के लिए आपको कितने करने हैं? 30 क्वेश्चन सही करने हैं एकदम सटीक, ठीक है, बट यहां पर मैं आपको करा रहा हूं टोटल 67 क्वेश्चन। कैसे करा रहा हूं जरा ध्यान दे, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है साइंस का, साइंस की सबसे ज्यादा वेटेज है 33 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? सिर्फ 33 क्वेश्चन, तो हम पहले वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, साइंस में आपको क्लास 9th और क्लास 10th की आपको एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब पढ़नी है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको ये कहां से पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं मान के चलो आप 15 मिनट में बोर हो जाते हो, तो मुझे एक सोर्स आपको देना होगा किताब के अलावा जहां से आप पढ़ सको, तो वो सोर्स है ये एक यूट्यूब चैनल का लिंक है जो आपको यह दिख रहा है, जो पेज दिख रहा है, उसका नाम है सक्सेस सीडी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा, वहां जाकर ये आप देखना, क्लास 9th की और सेम क्लास 10th की, दोनों की प्लेलिस्ट आपके सामने पड़ी है, पूरी फ्री है, एक पैसा दहला नहीं लगेगा, आपको याद रखना है। यूट्यूब पे कभी भी देखो, किसी भी टाइम देखो, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि साइंस के बाद सेकेंड लेवल पे इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी में क्वेश्चंस अराउंड आते हैं 12 से 15, और याद रखो यहां पर 67 क्वेश्चन में अगर तुमने नोटिस किया हो, मैंने पॉलिटी को ऐड नहीं किया, इसमें पॉलिटी कहीं है ही नहीं अगर तुम नोटिस करोगे तो। पॉलिटी के अगर डाल दो 12 क्वेश्चन तो ये आ गए आपके 7, 9, 79, मतलब 80 क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करा रहा हूं। अब पॉलिटी जब सेकेंड वेटेज रख रहा है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है? देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा पॉलिटी में आता क्या है। देखिए पॉलिटी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है वो बनी तो बनी कैसे है, ठीक है, तो वो हिस्सा आता है जिसमें बहुत फैक्ट फाइल है कि पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये किसने डाला, B.R. अंबेडकर का रूल मतलब रोल क्या था, ये सब, ठीक है, अंग्रेजों के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, या प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो क्या कहते हैं सीएम साहब है, वो एक साथ कैसे काम करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, सीएम का काम क्या होता है, ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और इसी से आते हैं 12 से लेकर 15 क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरी बात। इससे आते हैं 1-2 क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी से आते हैं 1-2 क्वेश्चन फॉर श्योर। तो हमें इसमें ये वाला पार्ट नहीं करना है,
हम ये वाला करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा वाला पार्ट है और इससे एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे फॉर श्योर। तो ये वाला पार्ट हो गया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और दूसरा हो गया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। ठीक है, अब आप पढ़ना कैसे शुरू करेंगे इस बात को ध्यान सुनना। पहले पढ़ोगे प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ के चुकोगे तो आपका पढ़ना होगा गवर्नर। गवर्नर के बाद उसके आएंगे इमरजेंसी प्रोविजन, कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है तो कैसे लगाता है, क्योंकि हम इमरजेंसी रोज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं न्यूज में आती है तो ये हमारे आएगी। फिर पीएम, पीएम की कैबिनेट, कैबिनेट से आगे बढ़ेंगे तो सीएम, तो सीएम की भी तो स्टेट काउंसिल होती है, उसकी कैबिनेट आप कह सकते हो वो होती है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट लेवल असेंबली होती है वो सब। उसके बाद आप पढ़ेंगे बजट, ठीक है, और अगर बजट उस टाइम आया है न्यूज में तो बजट आपको पता होना चाहिए। फिर आप पढ़ेंगे सीएजी, सीएजी के बाद आप खत्म करके चुकेंगे तो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। उसके बाद पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है, अटॉर्नी एडवोकेट जनरल मतलब क्या है, सरकार का वकील, ये पढ़ के चुकेंगे। फिर पढ़ेंगे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी का काम क्या है और स्टेट पीएससी का काम क्या। भाई आपका एग्जाम यूपीएससी ले रही है ना, वो क्या करती है काम आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका हिसाब किताब रखोगे। और उसके बाद जब सारा कुछ काम खत्म होता जाएगा तब आप देखोगे कि पीएम और सीएम एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के वर्क में क्या होता है। भाई आपने सुना होगा सीएए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके लिए जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने मना कर दिया, मैं अपने स्टेट में लागू ही नहीं करूंगी इसे। मैं केजरीवाल ने कह दिया मैं भी लागू नहीं करूंगा दिल्ली में। तो भाई ये पीएम की बात, जो एकदम हेड है पूरे देश का, उसकी बात इसने मना कैसे कर दी, कोई ताकत होगी ना तभी मना कर रहे होंगे, क्योंकि पीएम तो बहुत ही पावरफुल आदमी है भाई, पूरे देश का पीएम है ये, कैसे मना कर सकते हैं ये लोग, बड़े मना कर रहे हैं। तो ये बात आपको यहां पर समझनी है, ये एग्जाम में आता जरूर है, फॉर श्योर ये आता ही आता पार्ट है। फिर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन काम कर सकता कैसे करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करता है। और फिर नेशनल कमीशन समझेंगे, जैसे वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, सीबीसी, लोकपाल, सो ऑन, ये तो बहुत ही लास्ट में करना है, छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बाद जो काम करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। और इसके बाद जो ये चीजें हैं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब, यूटी, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, ये सब एट लास्ट, टाइम बचा तो करना, नहीं बचा तो छोड़ देना, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन पार्ट करना है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वन क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, और ये चीज एक दिन में खत्म कर ली जाती है। इनफैक्ट आप दो दो से तीन घंटे में खत्म कर लोगे, इतना अच्छा। अब ये करना कहाँ से है, ये करना है आपको, मैं एक प्लेलिस्ट है, ये मेरे चैनल की है, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की, ठीक है, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की। आपको यहां पर पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपके सामने लिखा होगा पॉलिटी फॉर सीडीएस, ऐसे लिखा होगा, यहां पर जाकर आप देखना, बहुत छोटे छोटे लेक्चर है, 5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, एक दिन में खत्म कर सकते हो, और इससे आप 12 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहां तक कहानी खत्म हुई, इसके बाद आता है हिस्ट्री। मैंने आपको बोल दिया था एंशियंट नहीं पढ़नी, मिडिवल नहीं पढ़नी, मॉडर्न पढ़नी है। मॉडर्न कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, ये सुन लो। इनका नाम है, इनका नाम है ब्योमकेश मेहरा सर, ठीक है। ब्योमकेश सर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाते हैं और इन्होंने ये चीज सिविल सर्विस के लिए तैयार करी थी, ठीक है, और यही हमारा काम है। आप में से काफी लोग कहेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और सीडीएस क्या सेम है, इक्वल जरूर है मेरी जान, इक्वल जरूर है। और जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का लेवल है वो सीडीएस का बनता जा रहा है, मार्क्स देख रहे हो कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं, 68 से लेकर सीधे 95 तक बढ़ता जा रहा है। अगर आपको शायद पता ना हो, कभी किसी से पूछना, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ही सीडीएस का एग्जाम भी दे रहे होते हैं, और इन लोगों ने इतना गंदा हाल कर दिया है, ओटीए के लिए ही खाली, जिसमें खाली इंग्लिश और जीएस आती है, उसमें ये स्कोर 130 के आसपास कर रहे हैं, समझ लो, इतना गंदा हाल कर दिया है इन लोगों ने, शायद यही एक कारण है कि कट ऑफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। जरा आगे चलते हैं, तो यहां से आप ये जरूर देखेंगे, बहुत ही सिर्फ 36 वीडियोस हैं, इनको देखो, कहानी खत्म, जय माता दी की। अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताना है, ज्योग्राफी आती कई, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूनिवर्स की ज्योग्राफी मतलब सोलर सिस्टम, और फाइनली आती है इंडियन ज्योग्राफी। हमें सिर्फ करना है इंडियन ज्योग्राफी, कैसे, पहले शुरुआत करेंगे कंट्री, समझ लो, इंडिया के बारे में, उसकी साइज, लोकेशन, फिर फिजिकल स्टेट, क्लाइमेट कैसे है, लोकेशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी क्या है। फिर यहां से खत्म हुआ तो इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, माइन क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है, हाईवे कौन सा कहां पर है, NH7 कहां है, NH57 कहां है, ये सब,
ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा, शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी है, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में ये सब पढ़ते 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 आपका कहानी आगे चलती जाएगी और ह्यूमन ज्योग्राफी पे आ जाएगी, मतलब सेंसस। मैं रिकमेंड करूंगा, आप में से काफी लोग कहेंगे कि सेंसस पढ़ना चाहिए, 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं, मैंने तो 4 से 6 भी देखे हैं। मैं कहूंगा मत देखो, रटने वाला काम है, रटने वाला काम है, और 1-2 क्वेश्चन के पीछे कितना रटोगे है पॉसिबल। और जब मैंने बता ही दिया, तुम ऐसे इंसान हो जिसका पढ़ने में 15 मिनट से ज्यादा मन नहीं करता, तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। तो अब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी कहां से, इनका नाम है परचम क्लासेस, और यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा होगा इंडियन ज्योग्राफी CDS, ठीक है, ऐसे मिला होगा और आप जाके देख लेना, ठीक है। यहां तक की हो गई कहानी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जीएस के ऊपर मैंने आपको कई सब्जेक्ट्स के बारे में बात हुए, पर अब भी इतना नहीं हुआ कि आप 20 मार्क्स पूरे सिक्योर कर सको, बात तो बची ना अभी, 20 मार्क्स अभी भी नहीं आएंगे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, गड़बड़ हो रही है मामला अभी भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। बट इंग्लिश में 90 मार्क्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और मैथ्स में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, 40-50 तो लेकर ही आने, ठीक है। पर यहां पर सिर्फ एक किताब से काम चल रहा है, यहां पर वो है पैरामाउंट, कौन सी, पैरामाउंट किताब, और यहां पर मैथ से सिर्फ एक लेक्चर से काम चल रहा है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मेरी खास बात यह, जो मैंने पढ़ा दिया उससे एग्जाम में बाहर नहीं आया, एग्जाम में बाहर आया ही नहीं है, और ये आप जब मेरे अनअकैडमी वाले उस पर जाएंगे जब आपको पता भी लगेगा ये बात। ये देखिए, जब आप ये जो हैट्स होती है ना, ये रिव्यू होता है मेरे क्लासेस का, इस रिव्यू पे जाएंगे तो आपको पता भी लगेगा कि यार ये बात बंदा सही कह रहा है, ठीक है। और ये सब बताने के बाद, जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं सबके सब, जितने भी सब्जेक्ट्स बताए हैं उनको पढ़ने के बावजूद भी आपके सब्जेक्ट्स बच रहे हैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, अब ये कहां से करने हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगा, पर मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इंग्लिश और मैथ्स के लिए आपको अनअकैडमी पे मेरे को ज्वाइन करना है, फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है अनअकैडमी शुभम वार्षिक के नाम से, रोज रेगुलर क्लास में लाइव आना है आपको, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो पर मैं कहूंगा लाइव आओ, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, और जब आपका रोज का रूटीन सेट होगा ना कि यार रोज मेरी 3 बार क्लासेस हो रही हैं और इसके बीच में मेरे पास फ्री टाइम है, उसमें बाकी चीजें पढ़नी है, तो काम आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये करना जरूरी है, बिना इंग्लिश में 90 मार्क्स करे तुम्हारा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि तुम CDS क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और सेम बात मैथ्स के लिए, इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, कट ऑफ बढ़ती जा रही है, अगर आज 135 134 आई थी तो कल 140 भी आ सकती है, 150 भी आ सकती है, मैथ्स तुम्हारा सॉलिड होना चाहिए, एकदम सॉलिड, और मैं यहाँ सॉलिड कर रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस के बाहर नहीं आता है, ये बात सेट है यहाँ पर। चलिए, यहां तक हो गई बात, यहां से जरा हम आगे लेके चले, तो पहले लाइक शेयर कमेंट करो, तुम लोग हो हरामी, क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं, तुम इतने हरामी हो, जब तुम्हें इतनी फ्री नॉलेज मिल गई तुम अभी भी लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हो, अबे सब्सक्राइब करो, तुम्हें नॉलेज मिल रही है यहां पर, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं बताऊंगा, तो मेक श्योर यू डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, तभी बताऊंगा करंट अफेयर कहां से पढ़नी है और इकोनॉमिक्स कहां से पढ़नी है, क्योंकि उसके बिना तो तुम 20 मार्क्स ला नहीं सकते, और जब तक 20 मार्क्स लाओगे नहीं तुम्हारी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी जीएस की, और जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं होगी जीएस की तब तक तुम्हारा CDS जाएगा नहीं। तो यहां पर तुम मेरे को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब दो, तभी बताऊंगा इकोनॉमी, देखो ये रही मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने कर दिया होगा, मैक्रो इकोनॉमी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, और मैक्रो इकोनॉमी में होगी नेशनल इकोनॉमी काउंटिंग, की भाई आप इकोनॉमी को काउंट कैसे करते हैं, GDP की काउंटिंग होती कैसे, फिर मनी एंड बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, और फाइनली ओपन इकोनॉमी आपको समझनी पड़ेगी, और जब आप ये पूरे 6 चैप्टर कर लोगे तभी काम बनेगा। और खास बात यह है, यहां पर मगअप करने का कुछ नहीं होता, रटना कुछ नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहां पर एक मैं इंसान का नाम लेना चाहूंगा, इनका नाम है आयुष सांगी, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, और इन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सो गो एंड वॉच हिज लेक्चर एंड यू विल फाउंड, यार मजा आ गया, सिर्फ 11 वीडियो है, सिर्फ 11 वीडियो है, ठीक है, और ये 11 वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा इकोनॉमी फॉर CDS, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, ठीक। अब करंट अफेयर की बात बसते हैं, 16 क्वेश्चन कैसे करने हैं, 16 क्वेश्चन करने के लिए आपको चाहिए साइट, एक साइट है इंडिया बिक्स, इंडिया बिक्स साइट में ऐसा है क्या, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई, ये 6 महीने, इन 6 महीने की आपको न्यूज ढंग से पता होनी चाहिए,
और ये आपको इंडिया बेक्स पे मिल जाएगा। इंडिया बेक्स में होम पे जाओ, करंट अफेयर पे जाओ, लिस्ट ऑफ टॉपिक, आप जैसे ही जिस मंथ पे क्लिक करोगे, ये डेट है, पहली तारीख जुलाई की करंट अफेयर क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको दे देगा, और ये 31 तक बताता रहेगा, और ये आपको मंथली करने हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो, जैसे ही आपने मान लो दिसंबर 1 की न्यूज देखनी चाहिए, ठीक, यहां पर वो आपको बताएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, फॉर एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन भी देगा, आपको फटाफट प्रैक्टिस कराएगा ये ऑप्शंस के साथ, जिससे आपको पता लगे एग्जाम में कि ऑप्शन आएंगे तो मिलते जुलते कुछ ऐसे आएंगे जिससे आपको डर ना लगे ऑप्शन से, ऑप्शन में एलिमिनेट करना आसान हो जाए, ठीक है। आपको आता है जवाब, उस पर मार्क कर दो, जैसे ही मार्क करोगे आपके सामने आंसर भी पॉपअप हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन भी देगा कि भाई ये एक्सप्लेनेशन है जिससे आपको दिक्कत ना आए। सोच के देखिए, ये भी एक फ्री सोर्स है, ₹1 का आपको खर्चा नहीं है यहाँ पर, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर मिलेगा करंट अफेयर CDS, ये सब आपके सामने मिलेगा पूरा का पूरा फ्री। यहां तक की कहानी हो गई, सब बता दिया मैंने आपको। अब आपके GS के 20 मार्क्स सॉलिड हो गए, इंग्लिश में 90 मार्क्स के लिए मैंने आपको बता दिया आपको कहां आना है, अन अकेडमी पे आना है, और मैथ्स के लिए भी आपको अन अकेडमी पे आना है, आपको सारा कुछ फ्री में मिल रहा है, डू नॉट वरी। और ये पूरा का पूरा सिलेबस आप जनवरी 15 तक खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा जैन 15 तक। इंग्लिश की तो मेरी गारंटी है 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, और बात बची मैथ्स की, तो मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा बाय 15 जैन। ये है हमारी पूरी स्ट्रेटजी, GS आपको करनी है, GS आप आज खत्म कर दो या कल खत्म कर दो, ये आपके हाथ में। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, और अब हम इंतजार कर रहे हैं आपके मिलने का, हम मिल रहे हैं अन अकेडमी पे अब, ठीक है। रोज याद रखिए 10:30 क्लास होती है और शाम को 7 क्लास होती है, हम मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अन अकेडमी में लाइव में, और रोज मैं 1:12 सेशन भी लेता हूं जो कि होता है अकाउंटेबिलिटी का, मतलब वहां मैं आपकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, या पढ़ाई में क्या दिक्कत हो रही है, याद नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, डीमोटिवेट हो रहा, जो भी हो रहा है, तो मैं 12 की क्लास में सुनता हूँ आपकी बात, ये ठीक है। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, ये सब आप करें, आपके पास सब आ गया, आप सारे सोर्सेस हैं, मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो #washing करके कमेंट सेक्शन में डालें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है